नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई एस न्यूज। इधर आज गुरुवार की दोपहर तहसील बलारी में तहसील बार एसोसिएशन बलारी की सामान्य सभा की मासिक समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में वकीलों द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में वकीलों की मुख्य मांग ग्राम न्यायालय के संचालन में देरी को लेकर रही। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम न्यायालय की मांग को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए बलारी तहसील स्थित सभी अदालतों में 25 जून से लेकर 2 जुलाई तक बलारी के वकील न्यायिक कार्य स्थगित रखेंगे तथा बलारी तहसील में अधिकारियों की रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती कराने को लेकर एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजने पर भी सहमति बनी। बैठक में बलारी तहसील के नए सरकारी वकील चौधरी सौरभ सिंह और जाट महासभा बलारी में विधिक सलाहकार बनने वाले चौधरी विनय कुमार सिंह को दीवार घड़ी देकर बार एसोसिएशन द्वारा सम्मानित भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शफाक हुसैन एडवोकेट और संचालन सचिव विनय कुमार सिंह ने किया। बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। तहसील परिसर में तहसील बार एसोसिएशन की वार्षिक सम्मान सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में निर्धारित एजेंडे के तहत बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथी आए। बैठक में बलारी तहसील मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय के संचालन में देरी पर नाराजगी जताई गई। शासन प्रशासन से मांग की गई कि जब यहां ग्राम न्यायालय स्वीकृत हो चुका है तब उसका शीघ्र संचालन होना चाहिए। बार ने सर्वसम्मति से तय किया कि अपनी मांग को प्रभावी बनाने के लिए कल से लेकर आगामी 2 जुलाई तक बलारी तहसील की सभी अदालतों में न्यायिक कार्य स्थगित रखा जाएगा। बैठक में ये भी तय हुआ कि माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रस्ताव भेजकर बलारी तहसील में रिक्त पड़े SDM न्यायिक, तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार के पदों पर अधिकारियों की शीघ्र तैनाती की मांग की जाएगी। बलारी तहसील में बार काउंसिल की ओर से जो ई लाइब्रेरी स्वीकृत है उसका नियमित संचालन कराया जाएगा और ई लाइब्रेरी चलाने के लिए एक कर्मचारी की मासिक मानदेय के आधार पर तैनाती की जाएगी। बैठक में ये भी तय हुआ है कि बार एसोसिएशन के फंड से तहसील परिसर में एक भवन बनाया जाएगा जिसमें ई लाइब्रेरी का नियमानुसार संचालन हो सके। बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। मासिक सदस्यता शुल्क समय से जमा करने पर जोर दिया गया। सभी वकीलों ने संकल्प लिया कि वह कोरोना काल के दौर में एहतियात बरतें, सतर्कता बरतें और निर्धारित सामाजिक दूरी का पालन करें। शुक्रिया। इधर प्रशासन के रोक के बावजूद भी बलारी में धड़ल्ले से बिक रहा है चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझे से अब तक कितने ही पक्षी अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई लोग भी चाइनीज मांझे से अपने अंग गंवा चुके और कई गर्दन कटने से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ताज़ा मामला मुरादाबाद के नगर बलारी का है जहां आज बलारी के पत्रकार हिलाल अकबर शवाद रोड से बाइक से जा रहे थे कि अचानक चाइनीज मांझे गर्दन से उलझ गया। उन्होंने हाथ से हटाया तो उंगलियों में भी जख्म हो गए और गर्दन पर भी निशान पड़ गए। वो तो गनीमत यह रही कि बाइक तेजी नहीं थी, अन्यथा आज कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। उन्हें तुरंत CHC बलारी ले जाया गया और इलाज कराया। मैं हिलाल अकबर, पत्रकार बलारी जी। मैं सावा चौराहे पर था, सूचना मिली कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलारी में एक डेड बॉडी आई है जो हादसे का कोई गंभीर घायल था, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया था। जी जी। जब हम आ रहे थे तो पंजाब बैंक के ठीक सामने कुछ मेरे गर्दन में आग लगा। मैं बोला पता नहीं क्या लगा जी, तो हमने इस तरह से हटाया तो चाइनीज मांझा था जी जी, तो उससे गर्दन पे एक निशान पड़ गया, गहरा सा कट गया। हाँ जी, अगर मैं इस तरह हाथ नहीं लगाता जी इस तरह से तो गहरा घाव हो जाता, तो उस मांझे की जो गहराई थी वो उंगलियों पे आ गई जी जी। इसमें काफ़ी गहराई से कट गया जो मैंने हैंड टू बैंडेड लगाया और निशान में अब भी निशान दिख रहे होंगे आपको, और मैंने तुरंत अस्पताल पहुंचकर इसको ट्रीटमेंट कराया। इसके बाद में बात यह है कि नगर में धड़ल्ले से बिक रहा है चाइनीज मांझा जी जी। इस पर कोई रोक टोक नहीं है और इसी तरह के कई हादसे हो चुके हैं जी। अगर इसी तरह से मान लो गौर नहीं किया जाएगा तो ऐसे हादसे और भी होंगे, तो चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। इधर आज दूसरे दिन भी बलार की ग्राम पंचायत खंडवा में खंडवा उपरा खुर्द में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। बड़ी संख्या में लोगों ने लगवाए कोरोना के टीके। ग्राम प्रधान रविंदर चौधरी के सहयोग से लोगों ने
बड़ी संख्या में लगवाए टीके तथा लोगों को किया जागरूक। कहा कोरोना से बचने के लिए सभी ग्रामवासी लगवाएं टीके। जहां आज ग्राम पंचायत खंडवा में 360 से अधिक टीके लगे तो वहीं अउपुरा खुर्द में 100 के करीब।